सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों को हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ संबंधों के आधार पर हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मूसेवाला के पिता बलकोर सिंह ने हत्याकांड के बाद दर्ज एफआईआर में बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही थी और फिरौती मांगी जा रही थी। पिता के मुताबिक मूसेवाला को कई बार फिरौती के लिए विदेश से धमकियों भरे फोन भी आए। पिता बलकोर सिंह ने बताया कि इन्हीं धमकियों की वजह से परिवार ने बुलेट प्रूफ फॉर्चूनर भी खरीदी थी, लेकिन दुर्भाग्य से रविवार यानी कल उनका बेटा घर से अपने दो दोस्तों के साथ थार में ही निकल गया था और तभी यह वाकया हुआ। बता दें कि इस बहरहम हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ली है, लेकिन इसके साथ ही मर्डर में एक नया खुलासा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश कहीं और से नहीं बल्कि दिल्ली के तिहाड़ जेल से रची गई थी और इस साजिश के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बरारत से कई बार बात भी की थी। माना जा रहा है कि मूसेवाला के पिता द्वारा लगाए गए फिरौती के आरोप भी गोल्डी बरारत से जुड़ रहा है। बहरहाल इन सब खुलासों के बाद पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रिमांड भी ले सकती है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल नंबर 8 में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। साथ ही पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम हिरासत में लिए गए 6 आरोपियों से ये जानने के प्रयास करेगी क्या इन लोगों ने सिर्फ हत्याकांड को अंजाम दिया या फिर पूरी साजिश रचने में ये लोग भी शामिल थे। इसके अलावा पंजाब पुलिस हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों के ठिकानों का भी पता लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।